नमस्कार किसान भाइयों, अपना कृषि बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं आज के नीमच मंडी भाव। गेहूं के भाव की बात करें तो गेहूं का बढ़िया माल बिका है 2100। लोकन गेहूं की बात करें तो 1900 से 2000 तक बिके। मीडियम बेस्ट क्वालिटी के गेहूं बिके 1850 से 1900, न्यूनतम 1700, उच्चतम 1850 तक गेहूँ बिके। प्याज के भाव की बात करें तो प्याज बिका है बढ़िया माल 2700 से 2400 तक। एवरेज माल की बात करें 2200 से 2700 तक। मीडियम क्वालिटी के माल की बात करें तो 1800 से 2200 तक। छारी माल की बात करें 1000 से 1820 तक। सोयाबीन के मंडी भाव की बात करें तो बढ़िया माल 4200 से 4500 तक। एवरेज माल की बात करें तो 4000 से 4100 तक। चलनसार यानी न्यूनतम माल है 3500, उच्चतम है 4000 तक सोयाबीन का भाव रहा है। और इसोबकॉल के सुपर माल की बात करें तो इसोबकॉल 11800 से 12226 तक गया है। बेस्ट माल की बात करें तो 11000 से 11800 तक। एवरेज माल की बात करें तो 9500 से 11000 तक इसोबकॉल के भाव रहे हैं। मसूर दाल की बात करें भाव की तो 4900 से 5500 तक। एवरेज माल की बात करें तो 4800 से 4900 तक। चलनसार माल यानी न्यूनतम माल बिकाए 4500, उच्चतम बिकाए 4800 जो मसूर के भाव रहे हैं। अलसी के बढ़िया माल की बात करें तो अलसी के माल का भाव रहा है 5100 से 5370 तक। एवरेज माल की बात करें अलसी के तो 4900 से 5100 तक गया है अलसी का भाव। और न्यूनतम माल की बात करें तो 4700, उच्चतम की बात करें तो 4900 तक अलसी का भाव रहा है। मेथी के बढ़िया माल की बात करें तो 5500 से 5800 तक रहा है। एवरेज माल की बात करें तो 5100 से 5400 तक रहा है। हल्के माल की बात करें तो 4800 से 5100 तक रहा है। बढ़िया मेथा की बात करें 4400 से 4700 तक रहा है। एवरेज माल मेथा की करें 5500 से 5800 तक रहा है। मक्के के भाव की बात करें तो मक्का 950 से 1330 और 1330 से 1600 तक गया है। अश्वगंधा के भाव की बात करें तो 25000 से 4300 तक रहा है। तारामीरा के भाव की बात करें तो 3500 से 4307 तक गई है। जौ के भाव की बात करें तो 1500 से 1350 तक गए हैं। तिल्ली के भाव की बात करें तो 7500 से 9850 तक। मूंगफली के भाव की बात करें तो 3800 से 5400। असलिया के भाव की बात करें तो 3200 से 3850 तक। उड़द के भाव की बात करें तो 5100 से 7100 तक गया है। अजवाइन के भाव की बात करें तो 9000 से 14400 तक गया है। तो दोस्तों ऐसे ही मंडी भाव जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटा है उसे दबा दें।